everyone. I hope you all are doing well. You all are most welcome. Friends, अभी जो दौर चल रहा है, हम सभी जानते हैं साफ सफाई, सैनिटाइजेशन, किस तरह घर को करना चाहिए सैनिटाइज, ये सब बारे में सुनते रहते हैं। और अभी तो एक और नया महामारी, उसमें भी कहते हैं सफाई बहुत जरूरी है। तो सोचिए क्यों ना आज आपसे कुछ ऐसी जो चीजें मैंने नोटिस की कि हम लोग कितनी भी सफाई करें कहीं ना कहीं कुछ चूक हो जाती है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। और शुरुआत करूंगी और चाहूंगी अगर आपको लगे कि हाँ ये चीजें हम लोग भूल सकते हैं तो प्लीज आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली से जरूर शेयर कीजिएगा। और मुझे पूरा विश्वास है सबसे पहले तो अभी आप जो से मैं शुरुआत कर रही हूँ फ्रिज की सफाई, वो आप वीडियो देखते ही सबसे पहले अपना फ्रिज चेक करेंगे क्योंकि जाने अनजाने में हमसे बहुत बार वो भूल होती है। सो प्लीज देखिए, अब आप फ्रिज खोल के आप देखेंगे तो देखिए एक रबर की पाइप होती है चारों तरफ जो गेट को ठीक से बंद रखे, चारों तरफ रबर, उसमें छोटी छोटी लेयर्स होते हैं रबर के, उनमें कई बार काले जम काला पानी एकदम चारों और काले हो जाते हैं। वो किन लोगों के हो जाते हैं जो बहुत बहुत दिन तक फ्रिज साफ नहीं करते, वो डस्ट पार्टिकल्स जम जम के क्योंकि अंदर फ्रिज के नमी है वो काले हो जाते हैं। ये घातक भी हो सकता है क्योंकि अगर उन पे हम हाथ लगाए फिर वही हाथ हमारे आँख पे नाक पे या उसी हाथ से कोई चीज फ्रिज से उठा के हमने खा ली तो हमारा पेट खराब हो सकता है। तो हमें सबको रेगुलर अपने फ्रिज को खोलना चाहिए और ये चेक करते रहना चाहिए कि हम उसके ऊपर रबर जो पाइप है उसको हम जरूर चारों तरफ जो रबर है उसे साफ करें। करना बहुत सरल है, कॉलिन ले और एक कोई भी नोकीला चाहे चक्कू के साइड का हो या कोई पतला तिनका, एक साफ सुथरे कपड़े में से उसे अगर सर उसके हर कॉर्नर को ऐसे छुएंगे तो देखेंगे सारे वहां से कालापन हट जाएगा और वो चमकने लगेगा, बहुत जरूरी है। और एक क्या होता है जैसे अभी हम सभी अवॉइड करते हैं कि ठंडा पानी नहीं पिए, लेकिन आइस क्यूब तो होती है उन्हें भी बदलते रहना चाहिए, उसका पानी भी बदलते रहना चाहिए, पूरे फ्रिज को रेगुलर साफ करना चाहिए और जो भी चीजें रखें ढक के रखनी चाहिए। बहुत बार क्या होता है बहुतों के फ्रिज को खोलते देखते हैं तो हो जाते हैं सबसे गिर जाते हैं, दूध रखते समय थोड़ा सा दूध गिर गया, तो कभी सब्जी छिटक के गिर गई या सब्जियां जचा रहे हैं तो कोई सूखी मिर्च पीछे साइड में बैक साइड में चली गई और उन्हें पोंछना भूल जाते हैं तो उसके ऊपर एक बूफन आ जाती है। अब देखिएगा एक काला काला सफेद सा दाग हो जाता है, वो भी बहुत घातक है, उसे ही हम लोग बूफन या फंगस आप जो भी कहें, तो वो फ्रिज में नहीं जमने देनी चाहिए। करना क्या चाहिए, रेगुलर ही सामान रख के जब भी हम निकालते हैं तो दिन में एटलीस्ट एक बार सोने से पहले हमें चेक कर लेना चाहिए हमारे फ्रिज में कहीं कोई चीज बिखरी हुई तो नहीं है, कहीं कुछ गिरा हुआ तो नहीं है। एक मिनट लगेगा उसे साफ दे, उसे हम तुरंत पोंछ दे और नहीं तो वंस इन ए वीक कम से कम एक टोपी में गुनगुना पानी ले और उसमें दो चार बूंद अगर आपके पास रोज वाटर है तो डाल दीजिए और एक साफ सुथरे कपड़े से अंदर से पूरा फ्रिज पोंछेंगे तो महकता रहेगा। और जो भी चीजें रखे ढक के रखे, बहुत जरूरी है। कॉर्नर्स भी साफ हो गए, कहीं कोई फंगस लगने का गंदा रहने का प्रश्न ही नहीं उठता। और आइस जैसे मैंने कहा पानी बदल देना चाहिए। और एक चीज क्या होती है, हम लोग वाटर बॉटल से सभी पानी पीते हैं मगर कई बार आप देखिएगा, मैंने एक दो देखा था पहले इतना ध्यान नहीं देते थे कि जैसे ये वाटर बॉटल है तो इसके अंदर आप देखेंगे ग्रीन ग्रीन कहीं एक दो स्पॉट हो जाते, तो सोचती समझ में नहीं आया, फिर खुद को लगा ये गड़बड़ है ये पानी नहीं पीना, अवॉइड कर लिया उनका पानी पिया नहीं। लेकिन वो होता क्या है, वो क्या है अंदर पानी में, वो एक तरह की काई जम गई है क्योंकि कई दिनों से उन्होंने बोतल को साफ नहीं किया। बोटल्स जो वाटर बोटल से पानी पीते हैं उसे रेगुलर साफ करते रहना चाहिए, बहुत जरूरी है, नहीं तो वही पानी हमारे अंदर जाएगा। ये तो लाइट कलर की बोतल हो तो दिख जाता है, डार्क कलर है तो दिखेगा भी नहीं। कुछ नहीं है, अब जो हम लोग विम जेल है बोतल में थोड़ा सा पानी थोड़ा सा विम जेल डाले और ब्रश से पूरे घुमा के अच्छे से बॉटल्स को साफ कर लें और फिर पानी से कई बार, मैं तो उसी जो बचे हुए जो लिक्विड विम जेल है उसी को दूसरी में फिर तीसरी में सभी बोतलों में उसे एक जेल से ही साफ कर लेती हूँ, फिर उनको बहुत बार अच्छे अच्छे साफ पानी से धो लीजिए और कुछ देर उन्हें खुला छोड़ दें फिर पानी भरें। नहीं तो कभी कभी वैसे विम जेल की खुशबू होती नहीं है लेकिन कभी कभी रह जाती है अगर हम तुरंत बोतल भर लें, कुछ देर उन्हें खुला छोड़ दीजिए फिर पानी डाल के एक्वागार्ड से भर लीजिए। तो ये हो गई आपकी फ्रिज की बोटल्स की सफाई जो बहुत जरूरी है। अब चलते हैं किचन को सैनिटाइज करने के लिए। किचन में कॉकरोच एक बहुत बड़ी समस्या है और उसके कारण कितने बैक्टीरिया वायरस होते हैं हम सभी जानते हैं,
और उसका मुख्य कारण है कि हम चीजों को खुला छोड़ देते हैं। कई लोग खाना खाके बस प्लेट ऐसे रख देते हैं और लेफ्ट आउट जो फूड उसमें रह जाता है वो वैसे ही सोचते हैं जब काम सफाई होगी जो बर्तन साफ करेगा वो कर लेगा। वो उसकी खुशबू से स्मेल से चींटियां कॉकरोच और इंसेक्ट छोटे छोटे आगे उस पर बैठ जाते हैं। वो हम समझते नहीं, पहले मैं भी नहीं समझती थी। कई बार हस्बैंड कह देते हैं अरे अगर खाना बनाया तो साथ साथ गैस पहुँच दो नहीं तो चींटी आ जाएगी। मैं सोचती ऐसे कुछ देर में थोड़ी आती है, मगर आते हैं। और अगर इस तरह रात भर हम छोड़ दें कि खाना बनाया आ गए सुबह साफ कर लेंगे गैस, तो वो जो छोटे छोटे कुछ हो गए हैं, कुछ छोटे मोटे भी जो छूट गए हैं, आटे के टुकड़े रह गए हैं, उससे चींटियाँ कॉकरोच खाएंगी। उनका खाना है, उसकी स्मेल से वो आएंगे। हमारे लिए वो कुछ दाने उनके लिए पूरा हो जाएंगे। तो ऐसी कोई खुली चीज रहने ही नहीं देना चाहिए। सोने से पहले बर्तन कोई भी साफ करे, सुबह करे, वो अलग बात है। उसमें जो भी लेफ्ट आउट फूड है उसे डस्टबिन में डालें और उनमें पानी भर के रखें। कभी कॉकरोच इंसेक्ट्स नहीं आएंगे, जरूरी है। और एक काम करिए, मैंने पहले भी कई बार कहा है, आजमाया हुआ, ये देखिए, ये आप जो वार्डरोब्स होती हैं हमारे किचन में जहाँ बर्तन वगैरह रहते हैं उनके साइड में एक एक ड्रॉप डाल के छोड़ दीजिए उन्हें इसके स्मेल से। और ये तो रोज नहीं है, महीने दो महीने 15 दिन में एक बार कर, वो कॉकरोच आएंगे नहीं। वो इसे छुएंगे लगेगा कि तो खा नहीं पाएंगे और बस फिर कॉकरोच आएंगे नहीं। बहुत जरूरी है। और ये क्या करते हैं हम लोग, बहुत बार भूल जाते हैं। जैसे अभी लॉकडाउन में बहुत सा सामान मंगा लिया लेकिन यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो देखना ही भूल जाते हैं कि अरे ये तो एक्सपायर हो गई इसकी डेट, सूजी हुई, मैदा, बहुत सी चीज़ें जैसे 4 महीने हैं, मैगी वगैरह, इवन आटा, जैसे हम लोग अगर जो भी आटा मंगाते हैं 5 किलो का 4-5 महीने बाद एक्सपायरी डेट दिखा दिया। तो ऐसे इन चीज़ों को तुरंत किचन में घुसी है, जैसे आप छुट्टी है तो देखिए ऐसी कोई चीज़ें तो नहीं है जिनकी डेट एक्सपायर हो गई है, तो उन्हें तुरंत फेंकी। और कुछ ऐसा क्योंकि क्या होता है अचानक कहीं किसी दिन हड़बड़ में बनाया तो उसमें कीड़े हो जाते हैं छोटे छोटे सूजी में, इवन शहरों में तो मूंग वगैरह भी अगर 3 महीने पड़े रह जाए, गुड़ थोड़ा सा लिक्विड रह जाए तो स्मेल गंदी, उनमें बूफन आ जाती है। तो इन चीज़ों को रहने ही नहीं देना चाहिए। डेट एक्सपायर पहले होने से पहले या तो व्यवहार कर लीजिए या किसी जरूरतमंद को दे दीजिए, उसके काम आएगी। और अगर एक्सपायर हो गई है तो प्लीज़ उसे तुरंत डस्टबिन में डालें, पूरे किचन को चेक करते रहना चाहिए। और एक मसालेदानी में आप देखिएगा कुछ ना कुछ मसाला चारों तरफ गिरे जाता है, अंदर में जो छोटी छोटी कटोरियाँ होती हैं उसके साइड अंदर कई बार देखते हैं जम गया है सफ़ेद सफ़ेद, वो नहीं होना चाहिए। उनको बीच बीच में सप्ताह में एक बार पूरी मसालेदानी को निकाल के साफ करके उनको रख के ढक देना चाहिए। सब चीज़ों को ढक के रखना चाहिए किचन में जितनी भी चीज़ें व्यवहार करते हैं, ना तो कॉकरोच आएंगे ना कोई जानवर रहेगा। साफ सफाई और एक जैसे कहा कीड़े मकोड़े, लेफ्ट आउट फूड और एक वेस्टेज जो होते हैं कि अन्य जो है वो वेस्ट नहीं होगा, समय से पहले ही किसी जरूरतमंद को दे दीजिए। ये किचन में ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सेम होता है मंदिर में, बहुत से लोग अगर ये हमारे पास में मंदिर है, बजने से ही मुझे मंदिर याद आता है, कई लोग क्या करते हैं कि फूल चढ़ा देते हैं उतारना भूल जाते हैं, उस पर भी छोटे छोटे जीव आके बैठ जाते हैं और वो पूरे घर में फिर इन्फेक्शन होगा और भगवान भी सोचेंगे क्या भाई सुबह रखा था अब तो बासी हो गए उतारो ही। शाम होने से पहले पहले जो भी हमने चढ़ाए हैं फूल या जो चढ़ावा है फल वगैरह वो हटा के किसी को देना है देना चाहिए, विसर्जित करने बाद में कीजिएगा। मंदिर की भी साफ सफाई का ध्यान जरूर रखना चाहिए। किचन साफ रखना माने हम वहीं से जो भी कुछ खाते हैं वहाँ कौन सा कोई एक्सपायरी डेट का फूड ना हो, सब कुछ ढका हुआ हो और कुछ भी लेफ्ट आउट फूड नहीं छोड़ें। गैस को साफ करें, बर्नर चेक करें, सोने से पहले एक बार थोड़ा सा फिनाइल के कुछ ड्रॉप्स अगर डाल दें और उससे पोंछ दें तो बहुत पूरा सुबह उठेंगे तो हमें लगेगा कोई और ही करके गया ये काम और हमारा किचन बहुत साफ रहेगा। अब जब बाहर डस्टबिन की आ रही है तो कहूँगी बहुत से लोग पूरा घर साफ कर लेते हैं मगर डस्टबिन उनकी देखने में लगता रहे ये क्या। और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक उसके अंदर प्लास्टिक रखिए, जो कुछ भी कूड़ा है उसमें डालिए और जैसे ही कूड़ा फेंकना उठाया वो उसे दे दिया, इतना ही करना है। और बीच बीच में डस्टबिन को धोते रहना चाहिए, जो आपके काम वाली बाई है उससे भी क्या कि कम से कम 2-4 दिन में एक बार उसे जरूर साफ करवाना चाहिए। और वहीं पे जैसे मैंने कहा जैतलिन की बॉल डाल दी, थोड़ी सी फिनाइल डाल दी पास में, तो पूरा किचन साफ रहता है, सब चीज़ें साफ और वार्डरोब्स वगैरह को तो पहुँचना चाहिए। और अभी जो चल रहा है मैं तो कहूँगी एक बाल्टी में क्योर इतना सैनिटाइजर भी नहीं तो थोड़ा सा फिनाइल डाला खुशबू वाला, एक साफ कपड़ा लिया, सभी रैक्स वगैरह को पूरा रोज अगर एक बार पहुँच सके तो पहुँचे, नहीं तो वंस ही मे बी
जरूर करना चाहिए। आपका पूरा किचन चमकने लगेगा, किचन हो गया, फ्रिज हो गया, खाने का। अब कहूंगी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज बहुत सबसे ज्यादा व्यवहार करते हैं, चाहे वो मोबाइल फोन हो, कंप्यूटर, लैपटॉप, बच्चों के प्ले स्टेशन, गेम्स, सब कुछ, बच्चों के टॉयज, इन सब को भी हमें कम से कम सैनिटाइज जरूर करना चाहिए। और ये तो जो काम करते हैं, हमारे जो बच्चे हैं, जिनके हस्बैंड हैं, उनसे ही कह सकते हैं कि वो काम करते करते ही कम से कम इन्हें एक बार थोड़ा सा स्प्रे किया और को सैनिटाइज रखें। हम ही उन्हें व्यवहार करते हैं फिर, क्योंकि उन्हीं को, उन्हीं से, उन्हीं हाथों से फिर अपने आँख नाक कान छूते हैं, तो उनका सैनिटाइज होना बहुत जरूरी है। सेम है, अधिक पानी गंदा देखना चाहिए, कहीं कोई काई तो नहीं जम गई, फिसल ले, सबसे बड़ी बात हम फिसलेंगे नहीं, पानी में काई बहुत जल्दी जमती है। तो नीचे बाथरूम को साफ रखना बहुत जरूरी है, कई बार हमें समझ में नहीं आता है, पानी नहीं जमते, जो वेस्टर्न कमोड है उनको ढक के रखना, अगर पानी भर के रखना जरूरी है तो कम से कम उसे कवर रखें, पानी पे भी छोटे 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 जीव हो जाते हैं, इकट्ठा ना होने दें पानी कहीं भी। हमारे टैंक है उसको भी साल में एक बार रिजर्वर जहाँ से हम पानी लेते हैं साफ करवाना चाहिए, जो डॉक्टर से पूछ के उसमें कुछ मेडिसिन, जैसे पहले वाले लोग तो फिट कर ही डाल दिया करते थे, वो डाल के पानी को साफ रखना बहुत जरूरी है। नहीं हो हमारे घर में कहीं भी कुछ भी, कहीं जीव जाल जंजाल जैसी चीजें बहुत सारी इकट्ठी ना हो, इसका ध्यान रखना है। साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना है। और अभी तो वंस इन ए वीक सर, आप कोई भी हो, जैसे बाल्टी में काफी पैर डाल के सारे एकदम गुनगुने पानी या जो नॉर्मल पानी से एक कपड़ा लिया, सभी खिड़कियों को पहुंच दीजिए, एक वंस इन ए वीक गेट पहुंच दीजिए, जो हम लोग लॉक गेट खोलते हैं मेन डोर, उसको कॉलिंग बेल्स के ऊपर को सैनिटाइज करना, ये सब बहुत जरूरी हो गया है। और कहीं भी छाला नहीं रहने देना चाहिए, मकड़ी का जाल ऐसे भी अच्छा नहीं माना जाता, अपने रूम में शुभ नहीं माना जाता, कहीं भी घर में दिखता हो या गेट के बाहर, जैसे अभी बताऊंगी कई, जैसे हम लोग बाहर गए हुए आए और अभी कई महीने से बाहर नहीं निकली, तो अचानक देखते हैं कि किसी के घर के आगे से लंबे लंबे जाले झूल रहे, तो अच्छा नहीं होता, उसमें कीड़े मकड़ी तो होती है और अच्छा भी नहीं, तो उन्हें साफ करते रहना चाहिए। वंस इन ए वीक तो बहुत मस्ट है, जैसे संडे ही पकड़ लो अपना, सैटरडे कुछ ही घंटे, अगर सब वीक करते हैं तो हमारा कितना भी बड़ा घर, ज्यादा समय नहीं लगता, और एक जन करता है तो दो दिन में कर, और बीच बीच में कभी वंस महीने में एक बार, जिनके मच्छर नहीं होने तो एक बार जरूर स्प्रे पूरे घर में स्प्रे कर देना चाहिए। एक दो रूम में करके छोड़ दिया, एक रूम में बैठ गए, फिर आधे घंटे बाद उस रूम में चले गए, और पूरे घर को तो हम पूरा पहुंचते ही हैं, बाथरूम को भी, और कुछ नहीं तो फिनाइल डाल के दीवारों पे पानी से वो पूरा पानी का छिड़काव जैसे कहते हैं कर दिया, घर को फिनाइल से पहुंचना चाहिए। वंस इन ए वीक कम से कम नमक डाल के भी आप घर पहुंच सकते हैं, उससे जीव कोई कीटाणु जो कुछ भी अगर नहीं होगा, घर एकदम स्वच्छ रहेगा, नेगेटिविटी भी दूर होती है। धुआं कर लिया शाम को, एक कपूर का टुकड़ा कहीं रख दिया, ये सब चीजें, टर्टलिंग की गोलियां जैसे कहा सब ड्रॉप्स में डाल दो, ओडोनिल रख दी बाथरूम में, इस तरह करके पूरे ओवरऑल पूरे घर की साफ सफाई हम लोग रख सकते हैं। मास्क को जरूर वंस इन ए वीक क्या रेगुलर अगर बहुत यूज कर रहे हैं तो मास्क चेंज कर देना चाहिए, उनको धो देना चाहिए और धूप में देना चाहिए, बहुत जरूरी है। और कोई भी कहीं भी दो चार घंटे बाद एक बार हाथ धोना तो हैबिट बना ही लेना चाहिए, क्यों हो ये भाई जो राम रचिला कर, मगर हम प्रयास करें। अभी मेरा तो पूरा सुबह उठते ही ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ सब सुरक्षित रहे, और जो नेगेटिव थॉट है उन्हें तो दूर करना बहुत जरूरी है। और इंसान की कीमत जैसा अक्सर कहती हूँ, अभी भी जब भी हर्ट होती हूँ तुरंत याद आते मेरे दिन, काश उन्हें एक बार ऐसा कोई होता कि उन्हें ला पाती तो थोड़ी देर तो उन्हें बताती, देखो ये ऐसा होता है, बहुत है। क्या करे, दिल है कि मानता नहीं, बस दिल नहीं मानता, उन्हें हम लोग जो चले गए उन्हें नहीं ला सकते, मगर जो है उन्हें सुरक्षित रखने का प्रयास करते रहना चाहिए। और साफ सफाई का भी औरों को भी प्रेरित कीजिए फोन पर ही कि भाई चलो आप अपने घर की वाटर बॉटल चेक करो, फ्रिज चेक करो, कहीं कोई कूड़ा तो नहीं है, अगर बच्चों को अपनी छत पे खेलने भेज रहे हो तो देखो छत पहले धुली हुई है कि नहीं, ये सब छोटी छोटी डस्टबिन का जैसे कहा छोटी छोटी चीजों का ख्याल हमें सबको रखना होगा, मास्क का, फोन का, और एक दूसरे के ऐसे मिलते मिलाते हैं। आप लोगों से भी कहूँगी कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर दीजिएगा कि और किस तरह मैं अपने घर को और अच्छे से सफाई कर सकूं, बाहर जो पेड़ पौधे हैं उनकी सफाई का ध्यान रखना जिन्होंने लगा रखे हैं, या उनको भी सब चीज़ों को, जैसे किचन का भी वाटर्स को बोला, वहाँ ऑयलिंग जब थोड़ा थोड़ा तेल लगा लें
और ये हिट के तो बूंदे रहते हैं तो वो स्मूथ रहते हैं। इस तरह एक साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है और अधिक से अधिक लोगों से कहिए, ध्यान रखें। और कुछ नया आपको भी सुझाव आए तो जरूर मुझे भी सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और किस थॉट पे बोलना चाहिए। और वैसे मैं आपको कहूँगी, मेरी नीचे लिंक रहती है, उसमें हेल्थ से रिलेटेड और अच्छे अच्छे जैसे जीरो ऑयल रेसिपीज वगैरह सब कुछ टिप्स, हेल्थ टिप्स, ब्यूटी टिप्स, सब टिप्स उनमें से आपसे, और अभी तो इस दौर के डिफिकल्ट पीरियड की भी बहुत से वीडियोज हैं, उन सबको हर चीज पे कैसे हम अपना ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सकते हैं, इम्यूनिटी को लेकर कैसे बूस्ट कर सकते हैं, जीरो ऑयल रेसिपी कैसे बना सकते हैं, मोटापा कैसे कम करें, पेट की बेली फैट, जितनी भी चीजें हैं जो विषय हमारे कॉमन है, दाढ़ दर्द, वाला दर्द, पेट दर्द, साइनस, सबके ऊपर वीडियो है, आप उसमें से खोज के देख सकते हैं और उनसे भी शेयर कर सकते हैं। और ये जो साफ सफाई का जो कहा, इसमें भी अगर अभी आप नया कुछ कर रहे हैं तो भी जरूर कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस अस ऑल।